आज फरदाना माँ क्या बना रही है माओ के लिए। हाँ, कटा हुआ टमाटर वो भी डाल दिया। आज इसमें सारे नाना मसाले भी डाल दिए। बिनते फातिमा ओल्ड होम में फरदाना माँ इन माओ के लिए किस तरह तैयारियाँ करती हैं ताकि इन माओ का माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाए, इनकी उदासी को जो है खुशियों में बदल दिया जाए। आज फरदाना माँ क्या बना रही है इन माओ के लिए, तो आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो है इस वक्त ये सारे लवाजमा जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भी जो है अपनी जो है मौज मस्तियाँ कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइएगा आज माशाल्लाह क्या रेसिपी है जो यहाँ बन रही है माशाल्लाह जी। अच्छा, चिकन के चप्पल कबाब। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं सबसे पहले? जी जी जी, क्या बात है, जबरदस्त। जी तो जी, इसका जो है यहाँ पे कीमा जो है वो बन रहा है और इसके साथ क्या क्या लवाजमात है इसके अंदर? हरी मिर्च, ठीक है, टमाटर, ठीक है, और ये अदरक लहसुन, ठीक है। अब इसका अच्छी तरह पानी जो है ना वो निकाल लेंगे ना, ठीक है, तो फिर वो कीमे में मिक्स कर दूंगी। साथ ही ये टमाटर वाले मिक्स करूंगी, ठीक है। ये मकई का आटा है ये मिक्स करूंगी, है। इसमें मसाले हैं, सूखा धनिया है, अजवाइन है, जीरा है, सूरक फूटी हुई मिर्च है, नमक है। तो ये चप्पल कबाब तो ना उसके बीफ के बनते हैं ना, जी जी। लेकिन चूंकि ये ओल्ड एज है इसलिए मैं चिकन के बना रही हूँ, चिकन के कीमे। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके ना मसाले का तरीका जो है ना वो इस तरह का है, आटा गूंदने वाला नहीं है, ये वाला। हलीमा और हमने जो है मिलके एक जो है वो नाप तैयार की है। जल्दी जी, तो फिर हम लोग बिस्मिल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो हलीमा। सुभान अल्लाह। तो ये यहाँ पे जो है वो चल रहा है माशाल्लाह। और इसके साथ अभी आपने इसमें क्या डाला है? इसमें ना वो प्याज और लहसुन अदरक का पानी निचोड़ के ना, तो वो डाला इसके अंदर। और मैं आपको दिखाता चलूँ। ओहो माशाल्लाह, जबरदस्त जो है यहाँ पर चपली कबाब जो है वो बन रहे हैं। बाकी मेन्यू भी जो है मैं फरदाना माँ से भी पूछूंगा, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कैसा बना। तो जी, फरदाना माँ ने खुद बनाया, हाँ काफी है। और इसके साथ क्या, थोड़ा सा दिखाइएगा? इसके साथ फ्रूट है माशा, मैंने खुद काटा है, मैंने किसी को जाके नहीं दी काटने। जबरदस्त। अच्छा, और इसके साथ क्लब सैंडविच है, सैंडविच है, क्लब सैंडविच। अच्छा, क्या बात है, जो बारा ने बनाया है। जबरदस्त। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी जो है ये रखी हुई है, क्या बात है। इसके साथ ही हमारा ने बनाया। ओहो माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये क्या बनाई है? जी जी। और ये जो जितना ये मटीरियल है ना, ये वाला सारा ये शक्करकंदी के बोल में जाएगा। अच्छा, अभी जाएगा अभी। जबरदस्त। तो जी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त जो है फौरी जो है चपली कबाब बन रहे हैं। शक्करकंदी जो है वो फरदाना माँ इसको बना रही हैं, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी जो है इसको सर्व करती जा रही हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इसमें क्या क्या डाल रही हैं आप, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, बॉयल हो गया, उसमें मैं थोड़ा सा प्याज डाल रही हूँ, ठीक है, धनिया डाल रही हूँ, ठीक है, और पुदीने की चटनी। और इसमें भी मैंने पुदीने की चटनी में प्याज, टमाटर और ये चीजें, लहसुन डाल दी तो मैंने। क्या बात है। तो जी, इस वक्त जो है जल्दी जल्दी जो है वो बन रहे हैं यहाँ पर। तो बहन भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कैसा लग रहा है आपको ये किचन में जो है इस वक्त जो अफरा तफरी चल रही है, कैसा लग रहा है आपको देख के? तो जी, इस वक्त जो है सारी जो है वो ट्रेन की रेडी हो गई है माशाल्लाह। अगर मैं आपको बताता चलूँ इसमें जल्दी से, इसमें जो है मैं बताता हूँ, इसमें जो है वो चपली कबाब है, इसमें जो है ये शकरकंदी है, और इसमें जो है ये क्लब सैंडविच है, इसमें जो है फ्रूट्स है फ्रेश, और जो है रोब्स है, और साथ में जो है इसके दही बड़े हैं। और साथ में कौन है? हम सारे जो है हमारी बड़ी प्यारी बहन है, कई अरसा दराज से माशाल्लाह इन माओं के साथ इनका ताल्लुक है। मुझे बताइएगा क्या सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिनते फातिमा का, असद का, आंटी का, कि हमने एक चांस दिया कि हमें आए और सबसे मिली, सबसे मिली, कनाडा से आई, माशाल्लाह माशाल्लाह, फाला भी साथ आई जी जी, और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके, इतनी अपनाइत फील हुई और इतना अच्छा आपने इंतजाम किया। मैं
आप लोग जी जी प्लीज प्यार से रखा हुआ है, मैं ये इतना नहीं समझ रही थी कि इतने अच्छे तरीके से। अच्छा ऐसा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। तो बस आप जो है सबसे मिलके और ये सब बहुत अच्छा है, बिक्री भी माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा चटोरे खाने अच्छे लगते हैं। अरे जबरदस्त जबरदस्त जी, तो बस जी क्या बात, बहुत जबरदस्त है। एक भी मम्मी गोंद नहीं बनाती है। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गया था। सबसे अच्छा क्या लगा इसमें? क्या शकरकंदी। क्या बात है जी, बहुत खुश। तो बस जी आज की जो है रेसिपी मुकम्मल हुई और माओ का जो है ये स्पेशली जो है चपली कबाब जो है बनाए जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है आप भी बिनते फातिमा ओल्ड होम माओ कराची लाहौर इस्लामाबाद में अपनी ज़कात याद में याद रखिए और इसी तरह अपने बुजुर्गों को भी जो है अपने तहत अपनी मत अपनी हिम्मत के तहत जो है अपने बुजुर्गों का ख्याल कीजिए। देखिए घर आबाद होंगे, जन्नत होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।